आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए लौकी की सब्जी की यूनिक रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। और अपने त्योहारों में इसे हम बना सकते हैं। जिसे लौकी नहीं भी पसंद होगी उसे भी ये पसंद आने लगेगी, यदि इस तरीके से आप सब्जी बनाते हैं तो। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल पनीर के टक्कर देती ये सब्जी बनने वाली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लौकी ले ली है और लौकी को अच्छे से धोकर छीलकर और इस तरीके से गोल गोल स्लाइस कट कर लिया है। लौकी सॉफ्ट वाली ली है, जैसे बहुत ही पतली और सॉफ्ट लौकी थी तो वही मैंने लिया है यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। प्याज लिया है 3 और टमाटर 2 लिया है। तो लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है। तो पहले प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे और उसका पेस्ट बन चुका है तो अब हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ दोनों हमारे पेस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो लौकी है उसकी स्लाइस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इन सारी चीजों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। दोनों साइड ही अच्छे से इस पे लगा लेना है। तो हाथों की मदद से हम इस पे अच्छे से लगा लेंगे और अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो अब यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, 3 चम्मच मैंने तेल लिया है और अब इसमें हम लौकी की स्लाइस डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। लौकी फ्राई करने में बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम तेल एब्जॉर्ब करती है लौकी। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए सारी लौकी की स्लाइस को हम इसमें फ्राई कर लेंगे और इस सब्जी को बनाने में बहुत ज्यादा तेल मसाला भी नहीं लगता है, बहुत कम तेल मसाले में, बस प्याज लहसुन की मदद से हम इसे बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमने लौकी को फ्राई कर लिया है, निकाल लिया। तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं 1 चम्मच के करीब तेल निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ज्यादा तेल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और अब इस तेल में बचे हुए तेल में 5 फोरन डालेंगे, 2 तेजपत्ता डाला है, चुटकी भर हींग डाला है और जो प्याज का पेस्ट बना के रखे थे उसको अब डाल के और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि कच्ची प्याज है तो इसे अच्छे से पकाएंगे। 3 मिनट के करीब तक मैंने इसे भुना है और अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और 2 चम्मच सब्जी मसाला डाला है, जिसमें कि धनिया, गोल मिर्च और जीरा पाउडर है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है 1 छोटा चम्मच। और अब इसमें जो टमाटर की प्यूरी बना के रखे थे डाल के और इसी के साथ हम अपने मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ऑयल रिलीज ना करने लगे तब तक इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ देखिए मसाले काफी हद तक भून चुके हैं तो और थोड़ी देर इसे हम भूनेंगे। और अब यहाँ मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब दूध की मलाई डाली है, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में। तो मलाई डाल के और अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लगने लगी मलाई डालने के साथ ही। तो अब इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब पानी भी डाल दिया है, पानी की जगह पे आप दूध भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है सब्जी में। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाला है, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है और साथ में ही डाल दिया है अपनी फ्राई की हुई लौकी। तो देखिए पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज की सब्जी है, कितनी अच्छी दिख रही है हमारी सब्जी और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ, चीनी इसके टेस्ट को बैलेंस करती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। यदि आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें और ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। देखिए 3-4 मिनट बाद हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ मैंने इसे सर्व किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है सब्जी। यदि आप किसी के सामने आप इसे सर्व करेंगे तो उसे पता नहीं चलने वाला है कि किस चीज के साथ आपने ये सब्जी बनाई है। और पूरी, पराठे, रोटी, जिस चीज के भी साथ सर्व करें, ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगने वाली है और बच्चे भी आपके आसानी से खा लेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी सब्जी की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।